हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुभाशिष। मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। आज मैं आप लोगों को वर्डप्रेस सेटिंग्स एपीआई के बारे में समझाऊंगा। तो कोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एक्चुअली वो ये वर्डप्रेस सेटिंग्स एपीआई क्या है? वर्डप्रेस सेटिंग्स एपीआई आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर एक पेज क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, जहाँ से आप अपना थीम का या फिर प्लगइन का सेटिंग्स वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि वर्डप्रेस का खुद का बनाया हुआ अपना सेटिंग्स जो मेनू है, इसके अंदर जब चाहोगे आप इसके अंदर बहुत सारा सब मेनू मिलेगा, जैसे कि जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, है ना। तो इसके अंदर मान लो कि जनरल का अंदर जब जाओगे तो इसके अंदर आप सब कुछ अपना नाम, साइट का नाम, साइट टाइटल्स, टैग लाइन, वर्डप्रेस एड्रेस, यूआरएल, साइट एड्रेस सब, है ना, सब यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो हम लोग भी जब अपना प्लगइन बनाते हैं या फिर जो थीम बनाते हैं, तब बैकएंड से हम लोग कैसे अपना प्लगइन और थीम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सेटिंग्स एपीआई का सहारा लेना पड़ेगा। तो मोटा बात यही है। अभी सेटिंग्स एपीआई जो है, ये थोड़ा वर्डप्रेस का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हार्ड तो नहीं है, मैं बोलूँगा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन, बहुत सारा कॉल बैक फंक्शन है। तो पहले पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन इतना मतलब हार्ड भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। मैं तो कहूँगा इजी ही है, जस्ट पहले पहले थोड़ा थोड़ा लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड हार्ड लगेगा। चलो बात हो गई बहुत, अभी क्रिएट करते हैं अपना खुद का सेटिंग्स एपीआई। तो इसके लिए कुछ आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और ये है वो सब स्टेप। पहले आपको मेनू पेज ऐड करना होगा, उसके बाद आपको सब मेनू ऐड करना होगा, उसके बाद सेक्शन क्रिएट करना होगा, उस सेक्शन का सेटिंग जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको फील्ड बनानी होगा। तो ये हो गया आपका मेनू, ये हो गया आपका सब मेनू, ये सब कुछ एक सेक्शन के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए एक सेक्शन होगा, ठीक है, और ये सब वो सेक्शन को रजिस्टर करना पड़ेगा, और बाकी जो ये सब है, ये सब एक सेटिंग्स फील्ड है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो मैं अभी अपना वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ हूँ। यह है मेरा वर्डप्रेस साइट, कुछ भी नहीं है वैसे, साइट में ऐसे ही मैं जस्ट न्यू इंस्टॉल किया हुआ है। एक दो पोस्ट ऐसे डमी पोस्ट बनाया हुआ है। वैसे इसका अभी तो फ्रंट एंड का काम नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, ये है मेरा प्लगइन डायरेक्टरी। उसके अंदर जाके मैं एक अपना खुद का प्लगइन बनाता हूँ। चलो इसका नाम दे देते हैं आवर प्लगइन। ये मैं प्लगइन बना के कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सिर्फ प्लगइन में ही कर सकते हो, आप अपना थीम में भी बना सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना मतलब प्लगइन में दिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल वे। आप चाहो तो अपना थीम में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका नाम देते हैं पावर प्लगइन डॉट पीएचपी। ये हम लोग का प्लगइन का मेन फाइल होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्लगइन को काम करने के लिए कमांड के अंदर आपको प्लगइन का नेम देना होता है ना। तो जैसे यहाँ पे आप हेलो डॉली में जाओगे, एक एक एग्जाम्पल प्लगइन है ना, तो वैसे ही हम लोगों को अपना प्लगइन का नाम देना होगा। प्लगइन का एक नाम देता है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है,
बाकी सब आपको देना होता है कि जब आप मतलब उस प्लगइन को रिलीज़ कर रहे हो। ये तो हम लोग अभी प्रैक्टिस के लिए है ना, जब मतलब प्रोडक्शन में जब आप उसको दोगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा है, जैसे प्लगइन का URI देना होगा, डिस्क्रिप्शन, प्लगइन ये क्या काम करता है, इसका ऑथर मतलब जो बना रहा है आप बनाओगे तो आपका नाम, वर्जन नंबर, ऑथर का URI, ये सब कुछ उसके बाद आता है। तो फिलहाल तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब का ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसका नाम देते हैं ऑप्टिमस दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो अभी ये तो आ जाना चाहिए हम लोगों का जो प्लगइन डायरेक्टरी है उसके अंदर। ये देखो ऑप्टिमस आ गया, ऑप्टिमस को एक्टिवेट करते हैं। नाउ अभी मेन फंक्शन बनाना होगा, तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि आपको एक मेनू पेज बनाना होगा, सब मेनू उसके अंदर पहले मेनू पेज बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फंक्शन बनाना होगा, और प्लगइन और अगर प्लगइन पेज और ये फंक्शन को एक जगह हुक करना पड़ेगा, तो उस हुक का नाम है एडमिन मेनू करके, उस हुक का नाम है, ठीक है। ओहो मैं क्या लिख रहा, एडमिन मेनू जो हुक का नाम है वो है एडमिन मेनू। इसके बाद वो फंक्शन का नाम, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको एक फंक्शन लिखना होगा, मतलब एक ऐड, एक आपको पेज ऐड करना पड़ेगा। तो पेज ऐड करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है ऐड मेनू पेज, ओके। तो इसके अंदर बहुत सारा पैरामीटर है, तो एक एक करके पैरामीटर देते हैं और डिस्कस करते हैं पैरामीटर क्या क्या पैरामीटर चाहिए। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है इसका टाइटल, टाइटल देना होगा। टाइटल मतलब यहाँ पे जो देंगे तो उस पेज में जब जब उस पेज को जब बीट करेंगे तो यहाँ पे जो टाइटल के टैग के अंदर जो शो कर रहा है ना वो शो करेगा, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं आवर प्लगइन, ओके। कुछ भी नाम दे सकते हो ये। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है, नेक्स्ट पैरामीटर है इसका जो टाइटल शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेनू बार में जो टाइटल शो कर, सेटिंग्स, सेटिंग्स टूल यूज़र वो, ठीक है। तो सेटिंग्स तो इसका नाम देते हैं ऑप्टिमस दे देते हैं। हम लोग का जो प्लगइन का नाम है वही दे देते हैं ऑप्टिमस, कुछ भी दे सकते हो, मैं बस सब लोग समझा रहा हूँ। उसके बाद होगा कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटीज का क्या है। कैपेबिलिटी अब अगर आप वर्डप्रेस का जो यूज़र रोल है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता ही होगा, कैपेबिलिटीज एक्चुअली वो चीज़ है वर्डप्रेस का जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र है ना, तो यूज़र को आप एक मतलब कैपेबिलिटीज मतलब उन लोगों को कुछ मतलब
मतलब उन लोगों को एक तरह का परमिशन देते हो कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ऑथर वो एक लिख सकता है, जैसे हो गया आपका एडिटर, एडिटर वो सिर्फ एडिट कर सकता है। अगर गूगल में सर्च करोगे, चलो मैं ये तो सेटिंग्स एपीआई का काम है तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बाद में एक ट्यूटर बना मतलब ट्यूटोरियल बनाऊँगा और लोगों को समझाने के लिए, ये यूज़र का रोल समझने के लिए। फिलहाल के लिए समझ लो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको इसके मतलब इसको छेड़खानी कर सकते हैं, सीधा हिंदी में बोले तो इसका ये था मैनेज ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद कैपेबिलिटीज हो गया, उसके बाद इसका स्लैग स्लैग देते हैं, प्राइम देते हैं इसका नाम प्राइम। उसके बाद इसका कॉल बैक फंक्शन, तो ये सब कॉल बैक फंक्शन अभी इसमें बहुत सारा आएगा धीरे धीरे जब काम करेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन जनरली एक्चुअली वो है मतलब वो चीज़ है, जब आप इस पेज को विजिट करोगे ना, ये ऑप्टिमाइज़ बोल के जो पेज क्रिएट किया है हम लोग ने, तो इस पेज को जब विजिट करोगे तो उसके अंदर जो कुछ प्रिंट होगा वो इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो इसका नाम दे देते हैं आवर प्लगइन, और प्लगइन एड मेनू पेज कॉल बैक। तो अभी एरर आने का चांस हो सकता है, इसलिए इस फंक्शन को पहले बना लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, ये सब फंक्शन नीचे जो भी सब फंक्शन होगा वो सब मेनू पेज का कॉल बैक फंक्शन होगा, मेनू पेज कॉल बैक फंक्शंस। तो ये हो गया हम लोगों का कॉल बैक फंक्शन, तो इसके अंदर लिख देते हैं कुछ फिलहाल के लिए आई एम ऑप्टिमस प्राइम, आई एम ऑप्टिमस प्राइम, फिलहाल के लिए कुछ डामी लिख देते हैं। इसके बाद एक और एक फंक्शन क्रिएट करना होगा मतलब सब मेनू पेज के। चलो अभी देखते हैं ये पेज आता है कि नहीं, सॉरी। इसके बाद एक और एक कैपेबिलिटीज मतलब और दो चीज़ रहेगा, वो है आपका डैश आइकॉन, मतलब इस ये जब ये सब डैश आइकन होता है ना, ये सब डैश आइकन, तो डैश आइकन यहाँ पे जाओगे तो आपको गूगल में डैश आइकन वर्डप्रेस डैश आइकन बोल के सर्च करोगे तो इस पेज में आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपका डैश आइकन का जितना सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा, तो अभी डैश आइकन एक दे देते हैं फिलहाल के लिए कुछ। उसके बाद जो आएगा वो है मेनू पोजीशन। एक्चुअली तो मेनू पोजीशन एक्चुअली कहाँ पे शो करेगा, ऊपर यहाँ पे डैशबोर्ड में ऊपर शो करेगा उसके मतलब मिडिल में शो करेगा या फिर नीचे शो करेगा। तो ये ऊपर से इसका नंबर शुरू होता है 5 से, ठीक है, 5 से डाउन टू 100 तक जाता है, ठीक है ना। कुछ अगर ना नहीं दोगे तो ये एकदम नीचे शो करेगा। मैं चलो यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, 40 दे देता हूँ। चलो चलो अभी चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का, इस पेज में जाओगे तो अब यहाँ पे आपको दिखाएगा आई एम ऑप्टिमस प्राइम। तो जो मैं बोला था ना कि ये तो कॉल बैक फंक्शन है, इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आप
इस पेज में जो वो कुछ प्रिंट कराओगे इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू। तो ये हुआ एक पेज हो गया। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे तक पेज आए ही तो उसके अंदर हम लोग साब मेनू पेज भी ऐड कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको साब मेनू पेज क्रिएट करना होगा। तो पहले हो गया हम लोग का ऐड मेनू पेज हो गया, अभी साब मेनू पेज क्रिएट करेंगे। तो उसका उस फंक्शन का नाम है ऐड साब मेनू पेज। ठीक है, तो ऐड साब मेनू पेज के अंदर भी कुछ पैरामीटर चाहिए, 6 पैरामीटर चाहिए। तो इसके अंदर 6 पैरामीटर, पहले पैरामीटर आपका स्लैग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का पेज का स्लैग था। और इस पेज में जाओगे तो ये दिखा रहा है ना, पेज इक्वल टू प्राइम, यहाँ पे हम लोग दिए थे ना पेज का स्लैग। तो ये है स्लैग, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर होगा पेरेंट का स्लैग। तो ये है मेन पेज, एड मेन पेज, ये इसका साब मेनू है। तो इसमें सब मेनू मतलब पेरेंट का ये दे देते हैं, जो स्लैग है वो दे देते हैं। दूसरा पैरामीटर टाइटल, मतलब इस पेज को जब विजिट करोगे तो अपने टाइटल टैग में जो शो करेगा वो। तो ये कुछ जनरल ऑप्शन दे देते हैं, जनरल सेटिंग। उसके बाद में जो पैरामीटर चाहिए वो पैरामीटर है कि मेनू पेज में क्या शो करे, मतलब मेनू टाइटल में क्या शो करेगा। मेनू टाइटल में इसका नाम देते हैं जनरल, मतलब सेटिंग्स पेज के नीचे जो साब मेनू क्रिएट होगा उसका नाम दे देते हैं जनरल, ठीक है। उसके बाद आएगा कैपेबिलिटीज। तो यही है कैपेबिलिटीज। उसके बाद मेनू स्लैग, ठीक है ना। अब इस पेज को जब विजिट अप करोगे तो यहाँ पे जैसे आपका मेनू स्लैग शो कर रहा है ना, तो जो वो शो करेगा उसका नाम देना होगा। इसका नाम क्या देते हैं, जनरल सेटिंग, ओके। उसके बाद जनरल सेटिंग हो गया, उसके बाद इसका एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो इस पेज में जो कुछ प्रिंट कराएगा उसके लिए वो कॉल बैक फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसको नाम देते हैं जनरल पेज कॉल बैक। मैं बड़ा बड़ा करके नाम दे रहा हूँ ताकि पहली बात तो दूसरा कोई फंक्शन के साथ इसको कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और बात है कि ये सब फंक्शन का नाम है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब फंक्शन का नाम पढ़ के ही आप बता सकते हो कि ये फंक्शन किस लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का उस फंक्शन, इसके अंदर कुछ फिलहाल के लिए इको करके कर देते हैं। तो दिस इज जनरल पेज, ओके। तो देखते हैं कि ये सब मेनू पेज आया है या नहीं। चलो ये आ गया सब मेनू पेज। इस पेज में जब क्लिक जाएंगे तब आ गया। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, हम लोग लेकिन एक ही सब मेनू पेज बनाए हैं ना जनरल नाम के, फिर ये कहाँ से आ गया। हाँ, तो बात ऐसा है कि अब जब भी वर्डप्रेस सेटिंग्स एपीआई में काम करोगे ना, तो पहले सब मेनू एक ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस क्रिएट कर देता है मेनू पेज के नाम से, ठीक है ना। तो इसको डिलीट करने के लिए, मतलब इसको हटाने के लिए एक ट्रिक्स करना पड़ेगा, वो हम बाद में समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप
देखो आप जब सेटिंग्स में क्लिक करोगे तो आपको जनरल पेज में लेके जा रहा है ना। हम लोग भी वैसा ही करेंगे जैसे वर्डप्रेस ने किया है ना। चलो अभी फिलहाल के लिए और एक सब मेनू पेज बना देते हैं क्विकली। तो इसका पेरेंट स्लैग सेम होगा, उसके बाद इसका टाइटल टैग, इसको इस पेज का नाम देते हैं प्रोफाइल सेटिंग। प्रोफाइल सेटिंग्स इस मेनू में जो शो करेगा इसका नाम देते हैं प्रोफाइल मैनेज ऑप्शन। इस स्लैग मतलब इस सब मेनू का स्लैग क्या होगा देते हैं प्रोफाइल सेटिंग दे देते हैं। प्रोफाइल सेटिंग ठीक है। और इसका कॉल बैक फंक्शन प्रोफाइल पेज कॉल बैक, इस कॉल बैक फंक्शन भी क्रिएट कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर, दिस इज प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज ओके। चलो देखते हैं ये आता है कि नहीं। आ गया, दिस इज प्रोफाइल पेज ओके। जो हम कह रहे थे कि हम लोग भी जब इस पेज को विजिट करेंगे ना, जब ये ऑप्टिमाइज करके इसमें जब क्लिक करेंगे तो हमको डायरेक्टली इस जनरल पेज में लेके चला जाएगा और ये ऑप्टिमाइज जो लिखा हुआ है ना तो ये भी हट जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक्स करना होगा। अब अगर गौर से देखोगे ये एक्चुअली पेज में जा रहा है, उसके अंदर उसका कॉल बैक फंक्शन ढूंढ रहा है, उसके बाद ये प्रिंट करा रहा है। तो अगर इसको काम कराने के लिए आपको दो चीज़ें एक चीज़ें करना होगा, वो है आपका इसका और इसका जो इस फंक्शन का मतलब इस फंक्शन का जो मेनू पेज है वो सेम करना होगा ठीक है। मतलब पेज का जो स्लैग है वो सेम करना होगा। ये हो गया आपका पेज का स्लैग। तो ये अगर ये दोनों सेम हो गया, दूसरी बात है ये अगर सेम हो गया तो इसका तो मतलब पेज चेंज हो गया और इसका चाइल्ड ये है। तो इस चाइल्ड का पहले से कंडीशन है कि ये जो पेरेंट का स्लैग लगेगा वो, तो ये भी चेंज करना होगा ठीक है ना। उसके बाद टाइटल भी आपको सेम ही देना होगा। जनरल सेटिंग्स इसका टाइटल और इसका टाइटल सेम देना होगा, मतलब ये होगा हुआ। इसके बाद ये तो मेनू में जो नाम शो करेगा वो तो सही रहेगा, ये तो है कैपेबिलिटीज वो भी ये ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। और ये है आपका कॉल बैक फंक्शन ना। आप एक चीज़ गौर करो, पेरेंट का स्लैग हम लोग चेंज कर दिया है। तो और एक हम लोग सामने पेज क्रिएट किए थे ना प्रोफाइल नाम का, तो उसका भी तो पेरेंट का जो स्लैग है वो चेंज होगा, मतलब ये भी इसमें आएगा। तो हो गया ये। चलो अब देखते हैं हम लोग जैसा चाहते थे वैसा आता है कि नहीं। अगर इस पेज में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखो हम लोग को सेटिंग्स में लेके जा रहा है ना, प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल में लेके जा रहा है ठीक है। तो मतलब काम कर रहा है। तो अभी देख रहे हो इसके अंदर कितना सारा फंक्शन आ गया, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तो मान लो अगर 5-6 तो पेज बन जाए तो आप ढूंढते फिर रह जाओगे कहाँ से किधर आ रहा है, मतलब कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। तो इसके तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप
इसको दूसरा फाइल में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये है हम लोग एडमिन पेज, तो ये तो हम लोग चेंज कर देते, मतलब ये फंक्शन ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया जनरल पेज का, ये है प्रोफाइल पेज का। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ INC नाम के, उसके अंदर दो, मतलब ये दो हम फाइल क्रिएट करेंगे जो है मतलब दोनों पेज का कंटेंट यहाँ से शो करेगा, ठीक है। तो प्रोफाइल डॉट पी एच पी और जनरल डॉट पी एच पी बोल के दोनों दो फाइल मैंने बनाया है, और अभी इसको इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। इंक्लूड करने के लिए वर्डप्रेस में इंक्लूड करने के लिए आपको, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इंक्लूड वंस करके आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल का नाम दे सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस में थोड़ा सा वर्डप्रेस के हिसाब से करना ही बेहतर है। तो इसके लिए प्लगइन DIR पाथ करके एक फंक्शन मिलता है, तो ये फंक्शन आपका जो कारण जो प्लगइन है उसका डायरेक्टरी शो करता है, डायरेक्टरी का URL देता है, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लगइन DIR पाथ हो गया। उसके बाद उस फाइल का नाम देना होगा, उस फाइल है हम लोग का INC फोल्डर के अंदर जनरल डॉट पी एच पी, जनरल डॉट पी एच पी, और एक फाइल है प्रोफाइल डॉट पी एच पी करके। ये है प्रोफाइल डॉट पी एच पी, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐड कर दिया। ये काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। दिस इज जनरल पेज, ठीक है। वैसे ही प्रोफाइल के अंदर भी कुछ लिख देते हैं। ओके, चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। और ये हो गया। आवर एडमिन पेज कॉल बैक नॉट फाउंड, एक यहाँ पे एक एरो दे रहा है। इसका इसका कॉल बैक फंक्शन सेम करना होगा, जो कि हम करना भूल गए। अब देखो इसका एरर हट जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, तो अभी ये तो हो गया। इसके बाद इसके अंदर इनपुट फील्ड करना होगा। ये दो स्टेप हो गया। इसके बाद एक सेक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो क्रिएट करते हैं एक सेक्शन, उसके लिए एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन नाम देता है आवर पेज सेक्शन एंड
फील्ड्स। और ये फंक्शन को एक जगह हुक करना पड़ेगा, तो हुक मैं बाहर भी कर सकता हूँ, लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचोगे इसका अगर हम बाहर हुक करेंगे कहीं, मतलब कहीं भी हुक कर देंगे, तो ये तो मतलब ये तो फंक्शन ऑटोमेटिकली काम करेगा ना। तो अगर मान लो हम लोग ये पेज ही नहीं क्रिएट हुआ, ये फंक्शन अगर रन करेगा, तो पहली बात तो है आपको एरर शो करेगा, दूसरी बात यह है मतलब इसके अंदर जो सब कोड लिखेंगे वो सब रन करेगा। तो इसके लिए बेस्ट उपाय ये है कि इसको इस फंक्शन के अंदर हुक कराते हैं, ठीक है ना, ताकि ये सब सामने पे जब क्रिएट होगा तभी ये हुक होगा, ओके, मतलब तभी ये काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये जो फंक्शन के फंक्शन में हुक होता है उस, मतलब जो हुक में जो इसके लिए जो हुक चाहिए उसका नाम है एडमिन इनिट, मतलब जो एडमिन एरिया जब इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ये फंक्शन का नाम, ठीक है ना। अभी इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, सेक्शन बनाना होगा, सेटिंग्स बनाना होगा, रजिस्टर सेटिंग्स आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको फील्ड्स बनाना होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको सेटिंग्स, मतलब कुछ सेटिंग्स को रजिस्टर कर लेते हैं। चलो पहले सेक्शन कर लेते हैं। सेक्शन मतलब ये जो सारा चीज़ इसमें पे जो आएगा ना, जो वो जो एक सेक्शन के अंदर शो करेगा उसका नाम है। तो इसका नाम है एड सेटिंग सेक्शन। सॉरी सेक्शन होगा, आई थिंक सेक्शन। इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर आएगा, इसके अंदर एक आइडिया आएगा, ठीक है ना, आईडी। पहला पैरामीटर है इसका आईडी देना होगा। तो आईडी, इसका आईडी क्या होगा, इसका आईडी एक यूनिक आईडी होना चाहिए। तो इसका देते हैं जनरल सेक्शन आईडी नाम दे देते हैं, जनरल सेक्शन आईडी। उसके बाद टाइटल, ठीक है ना, इस सेक्शन का टाइटल क्या होगा, जनरल सेटिंग। ये सब कुछ भी दे सकते हो, ये मैटर नहीं करता है। इसके बाद आपका जो थर्ड पैरामीटर चाहिए वो इसका कॉलबैक फंक्शन के थ्रू, मतलब इस सेटिंग्स का अंदर जो रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कॉलबैक फंक्शन तो जनरल सेक्शन कॉलबैक इसका नाम देते हैं। तो जनरल सेक्शन कॉल बैक हो गया, इसके अंदर एक कमेंट करके लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा फंक्शन जाएगा, जनरल सेक्शंस कॉल बैक फंक्शंस, सेक्शन कॉल बैक फंक्शन। तो फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ये है फंक्शन का नाम, फंक्शन के अंदर ये को करता हूँ कुछ,
इसके अंदर पी टैग में लिख देता हूँ चेंज चेंज योर जनरल ऑप्शन फ्रॉम हियर। ओके, ये तो सेक्शन हो गया हम लोगों का। अच्छा, इसके बाद इसका एक कॉलबैक फंक्शन तो हो गया ना। कॉलबैक फंक्शन के बाद इस पेज का नाम देना पड़ेगा, तो इस पेज का नाम ये है। ठीक है, उसके बाद आपको सेटिंग्स रजिस्टर करना होगा, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रजिस्टर सेटिंग्स। सेटिंग तो रजिस्टर सेटिंग्स, मान लो कि पहला फील्ड होता है, फील्ड बनाते हैं नेम का, तो इसके लिए एक रजिस्टर ग्रुप बनाना होगा पहले, मतलब एक ग्रुप का नाम देना होगा। उसके बाद आप मतलब जो फील्ड बनाओगे उस फील्ड का कुछ आईडी का नाम देना होगा, तो इसका नाम दे देते हैं पहले जनरल सेटिंग ग्रुप सेटिंग ग्रुप। ओके, ये भी पूरा ही लिखते हैं। उसके बाद आएगा आपका जो फील्ड क्रिएट करना। तो पहले मान लो कि पहला फील्ड बनाते हैं हम लोग नेम का, तो नेम फील्ड फील्ड, तो फिलहाल के लिए इतना ही सही है। उसके बाद और भी बहुत सारा पैरामीटर है, सैनिटाइजेशन पैरामीटर है, लेकिन वो बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। इसके बाद आपको फील्ड बनाना होगा, एड एड सेटिंग्स फील्ड करके, एड सेटिंग एड सेटिंग्स फील्ड के अंदर फर्स्ट पैरामीटर इसका आईडी, ठीक है ना। तो आईडी एक यूनिक होना चाहिए, उसके बाद सेकंड पैरामीटर टाइटल, तो इसका टाइटल क्या शो करेगा, इसका नाम होता है नेम। उसके बाद इसका कॉलबैक फंक्शन, देखा बोले थे ना कितना सारा कॉलबैक फंक्शन इसमें लगता है, तो नेम ऐड फील्ड कॉल बैक,
कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट में लिखते हैं इसका फील्ड्स कॉल बैक। तो ये हो गया कॉल बैक फंक्शन, इसको बाद में देखते हैं फिलहाल। और जो सब पैरामीटर लगता है वो दे देते हैं, मतलब सेटिंग्स फील्ड के अंदर। उसके बाद है जो पेज में जाएगा ये, तो ये तो इस पेज में जा रहा है, इस पेज का नाम देते हैं उसके बाद ये कौन सा सेक्शन के लिए, मतलब कौन सा सेक्शन का फील्ड है ये, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये है इस फील्ड का ना, मतलब इस फील्ड का ये जो सेक्शन है, इस फील्ड का आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी। तो इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बनाते हैं नेम का, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम एक फील्ड आएगा वैल्यू का, तो ये हो गया आप। ये हम लोग नेम ग्रैब करेंगे अभी, मतलब जो फील्ड बनाया उसका वैल्यू ग्रैब करेंगे। तो उसके लिए लिखना होगा गेट ऑप्शन, गेट ऑप्शन। फिर आपको इसका नेम देना पड़ेगा, मतलब कहाँ से ये आ रहा है। तो ये हो गया, इसको वैल्यू के अंदर प्रिंट कर देना होगा। ठीक है, एको नेम में जो ये, इसको नेम में देना होगा। अगर आप फॉर्म वैलिडेशन किए हो तो आपको पता होगा पीएचपी फॉर्म वैलिडेशन किए हो तो। ठीक है, अभी ये तो पेज ऐसे ही नहीं शो करेगा, इसको हम दूसरा टेम्पलेट में बनाए थे ना, तो वहाँ पे जाके कुछ इसको चेंज करना होगा। ठीक है ना, ये टाइटल हम लोगों को नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाते हैं। एक्शन कहाँ पे जाएगा, ये ऑप्शंस डॉट पीएचपी में जाएगा। अगर मेथड तो ऑब्वियसली पोस्ट होगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके, अभी इसके अंदर मेन चीज़ है, इसके अंदर पहला चीज़ जो आएगा, सॉरी लिख लेता हूँ पहले, पहला चीज़ जो आएगा वो है आप जो पहला चीज़ है आपका सेटिंग्स फील्ड, मतलब कौन सा ग्रुप को आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो।
सेटिंग्स फील्ड, सेटिंग्स फील्ड के अंदर तो कौन सा ग्रुप का फील्ड करा रहे हो, ये हम लोगों का सेटिंग्स फील्ड है ना। एड्स मतलब सेटिंग्स ग्रुप में। ओके, इसके बाद होगा जो पेज का, इसके डू सेटिंग्स सेक्शन, डू सेटिंग्स सेक्शन, तो इसके अंदर वो पेज का नाम देना होगा। सॉरी, ये तो पेज का नाम नहीं है, पेज का नाम क्या है, ये है ना पेज का नाम, ये तो स्लैग था ना। उसके बाद बटन चाहिए सेव करने के लिए सब डेटा वेटा, उनका नाम है सबमिट बटन करके फंक्शन है इनबिल्ट वर्डप्रेस का, सबमिट अंडरस्कोर बटन बटन। इसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर चाहिए, फिलहाल तो इतना, पहले वैसे ही आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इतना सही अभी देखते हैं क्या आता है। एक नेम फील्ड करके आएगा, एक ही फील्ड आएगा, आता है कि नहीं देखते। सिंटेक्स एरर लाइन 44 और फंक्शन डॉट पी एच पी लाइन 44 44 लाइन 44 सॉरी यहाँ पे देना भूल गए, देखा कितना सारा एरर। चलो यहाँ पे फील्ड आ गया नेम करके, अभी देखते हैं सेव होता है कि नहीं, अगर सेव होगा तो समझेंगे कि ठीक ठाक हुआ। फिलहाल नाम देते हैं राहुल, राहुल बुम, देखा काम कर रहा है। तो ये है एक्चुअली सेटिंग्स एपीआई, ठीक है ना। तो पहले सेटिंग्स एपीआई में काम करने के लिए पहले आपका बहुत कुछ फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप दूसरा जब फील्ड बनाओगे वो सब बनाना इजी हो जाएगा। और एक फील्ड आपको बना के देता हूँ, जैसे कि और एक सेटिंग्स फील्ड बनाने के लिए और एक सेटिंग्स फील्ड बनाते हैं, एक रजिस्टर सेटिंग्स बनाना होगा, उसके बाद आपको और एक फील्ड बनाना होगा। तो एक रजिस्टर सेटिंग्स है ना, ये ग्रुप तो सेम रहेगा, उसका टाइटल, उसका मान लो टाइटल TITLE टाइटल एक फील्ड बनाते हैं। सॉरी, तो ये हो गया। इसके बाद और एक फील्ड भी ऐड कर देते हैं टाइटल के लिए, कंट्रोल डी, तो ये सेम रहेगा, इसका दे देते हैं टाइटल TITLE टाइटल, इसका कॉलबैक फंक्शन डिफरेंट होगा TITLE। और कौन जो कि पेज का नाम, ये भी सही होगा, इस ये भी सेम ही होगा,
कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं फील्ड का। यह है हम लोग का कॉल बैक फंक्शन का नाम। इसके बाद इसके अंदर ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ओके, यह है टाइटल। इसको सेटिंग्स में नाम क्या दिए थे, रजिस्टर सेटिंग्स में, रजिस्टर सेटिंग्स में नाम दिए टाइटल फील्ड। ओके, टाइटल फील्ड, चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, टाइटल फील्ड, सॉरी इसका नाम चेंज करते हैं टाइटल फील्ड कर देते हैं। इसका वेरिएबल का नाम टाइटल फील्ड कर देते हैं, इसका टाइटल फील्ड कर देते हैं। ओके, चलो चेक करते हैं आता है कि नहीं। माय गॉड, चेंज कर दिया क्या टाइटल फील्ड, एक ही क्यों आ रहा है। सॉरी, इसका तो आईडी डिफरेंट होगा ना। टाइटल, तो ये होगा टाइटल फील्ड, इसका नाम देते हैं ड्राविड, VIT। सेव करके देखते हैं सेव होता है कि नहीं। चलो सेव हो रहा है। तो मोटा मोटी यही है सेटिंग्स API, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक बढ़िया सा प्लगइन बनाएंगे। देखो यहाँ पे इस चैनल में आपको मतलब वर्डप्रेस का बेसिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस मिलेगा, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आप अगर बेसिक ढूंढोगे तो आई थिंक नहीं मिलेगा। अगर मैं बेसिक का ट्यूटोरियल कोई बनाऊंगा तो मैं पहले बोल दूंगा, लेकिन ये है थोड़ा एडवांस लेवल में, ठीक है ना। तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से थोड़ा बहुत वर्डप्रेस, जिन लोगों को पता है, कुछ दिन काम किया है वर्डप्रेस में, थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में पता है, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो हो गया। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। बाय।